इसके भी आप देख सकते हैं ऊपर हमारा नेटवर्क है, वोल्टी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। आपको करना क्या होगा कि अपने डिवाइस का यहाँ पे जो फ्लाइट मोड है ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपका नेटवर्क कुछ इस तरीके से आएगा, उसके बाद आपको वोल्टी का भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और आपको अपने रियलमी डिवाइस में 4G वोल्टी का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है आप कोई भी ऑपरेटर यूज करते होंगे उसमें आपको यहाँ पे 4G वोल्टी का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स जो है इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ चीजें आपको जरूर से यूज कर लेनी है, हो सकता है कि आपको इन ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने को शायद से ना मिले। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क रिलेटेड जो है मिलने वाली है। और जनरली होता क्या है कि लंबे यूजेस के बाद कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारा जो वोल्टी प्रॉब्लम है वो वर्क नहीं करता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ऊपर हमारा नेटवर्क है, बट अभी फिलहाल जो है यहाँ पे वोल्टी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे यहाँ पे इस फीचर को जो है यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप में यहाँ पे 4G वोल्टी का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है नेटवर्क से रिलेटेड, तो कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो इन सभी चीजों में आपको इन सभी चीजों को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस को इस जो है नेटवर्क को आपको सबसे पहले यहाँ पे फ्लाइट मोड में डाल देना है। ठीक है, जैसे आपका डिवाइस फ्लाइट मोड में आ जाए तो उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन में चले आना है। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एडिशनल सेटिंग में जाके। ठीक है, आपको ऐप जो है सर्च कर लेना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, मतलब जहां पे भी आपको मिले आपको ऐप मैनेजमेंट को सर्च कर लेना है। ठीक है, तो आप अपने डिवाइस का डिवाइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा ऐप मैनेजमेंट, तो आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। ठीक है, फिर आपको एप्लीकेशन लिस्ट पर टैप करना है और यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टू डॉट मिलता है, इस पर सिंपली टैप करके सो सिस्टम पर टैप करना है। तो दोस्तों, वहां पे आपको सिंपली सर्च कर देना है इंजीनियर नेटवर्क को। ठीक है, इसको सिंपली सर्च करना है और सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे आना है स्टोरेज यूजेस पे, इसको सिंपली यहाँ पे जो है क्लियर कर देना है। ठीक है, इसको बैक ले लेना है, उसके बाद आपको इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं फोर्स स्टॉप हो गया, जस्ट आपको बैक ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको एक चीज को और सर्च कर देना है। यहाँ पे एक और मिलता है आपको नेटवर्क स्टक का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसको सिंपली ओपन करना है और इसको भी सिंपली आपको डेटा इसका क्लियर करना है, इसके बाद आपको बैक लेना है, इसके बाद इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप फोर्स स्टॉप कर लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर यहाँ पे अब आपको अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी सेटिंग को जो है सिंपली ओपन कर लिया है, इसको भी आपको सिंपली यहाँ पे क्लियर करना है और सिंपल ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है। ठीक है, अब फोर्स स्टॉप करने के बाद आप वापस से जो है पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि अपने डिवाइस का यहाँ पे जो फ्लाइट मोड है इसको ऑन मतलब ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपका नेटवर्क कुछ इस तरीके से आएगा, उसके बाद आपको वोल्टी का भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। जो वोल्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी 4G वाला, वो शायद से आप देखने को ना मिला। देख सकते हैं यहाँ पे इजिली तरीके से जो हमारा यहाँ पे वोल्टी जो है नेटवर्क के साथ वो भी हमको देखने को मिल गया है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप से मैंने आपको ये चीज को बताया था कि होता कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं कि नेटवर्क जो है फंस जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और हो सके तो जब आप फ्लाइट मोड में इसको ऑफ करें, जब आपका नेटवर्क आ जाए तो एक बार इसको रीस्टार्ट जरूर से कर दें। ठीक है, आप चाहें तो इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर रीस्टार्ट करेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पे आपका जो वर्किंग होगा वो काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ये मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई कि यहाँ पे अगर नेटवर्क से रिलेटेड आपको अगर इश्यू देखने को मिल रहा है अपने रियलमी फोन में, तो यहाँ पे इस ट्रिक को फॉलो करके जो है आप अपने इस फोन में इस प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो होपली आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने जो प्रोवाइड करवाई वो आपको पसंद जरूर से आई होगी। और अगर दोस्तों ये ट्रिक वर्क करती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने जो है सोशल साइट्स पे, अपने दोस्तों के पास, कहीं पे भी। ठीक है, तो होपली आपको वीडियो जो है जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।